हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे गार्डन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कुछ ऐसे कलरफुल प्लांट दिखा रहे हैं जो आपके बालकनी गार्डन में और सेमी सेड एरिया में बहुत आसानी से चल जाएंगे। तो देखिए, ये सफलेरा प्लांट है जिसे अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। फ्रेंड, ये हरी वैरायटी में भी आता है, एकदम ग्रीन पत्ते होते हैं जिसके, और वेरीगेटेड भी आता है, और छोटे प्लांट भी मिल जाते हैं, बड़े प्लांट भी। और फ्रेंड, ये है स्टार लाइट फाइकस, इसके भी हरी वैरायटी भी आती है और ये वेरीगेटेड वाली भी आती है। फ्रेंड, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इनको बस 2-3 घंटे की धूप मिल जाए और बहुत आसानी से आपके गार्डन में चलेंगे। बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में इसके पत्ते जल जाते हैं फ्रेंड, तो इसको सेमी सेड एरिया में रखना चाहिए। तो इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी सुंदर कलरफुल हैं, बहुत आसानी से इसकी कटिंग भी लग जाती है फ्रेंड, और मैंने इसकी कटिंग लगाई है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी खूबसूरत लगती हैं। अगर धूप थोड़ा ज़्यादा रही, इसके पत्ते पीले पीले ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं तो हरे रहते हैं फ्रेंड। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये देखिए इसके कलर। और फ्रेंड, ये है टाइगर प्लांट और इसे सेंचेजिया भी कहते हैं फ्रेंड। तो इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ड होना चाहिए, इससे ये पौधा बहुत अच्छी तरह से आपके गार्डन में चलेगा। और सेमी सेड एरिया हो, एक घंटे की या 2 घंटे की धूप इसे मिल जाए, बस बहुत अच्छे से आपके गार्डन में चलेगा। कटिंग भी आसानी से लग जाती है इस प्लांट की, और पत्ते देखिए कितने खूबसूरत रहते हैं। तो किसी भी कॉर्नर में लगाएंगे बहुत खूबसूरत लगेगा। और फ्रेंड, ये है क्रोटोन का प्लांट, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास 3 वेराइटियाँ फ्रेंड इसकी, तो देखिए ये भी सेमी सेड एरिया में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी अच्छी लगती हैं, और भी कई वेराइटियाँ इसमें आती हैं फ्रेंड। देखिए, और फ्रेंड एक वैरायटी ये है और एक वैरायटी मेरी नीचे रखी हुई है, ये टेरेस पे मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए ग्रीन कलर की, और इसमें स्पॉट हैं। और फ्रेंड, ये देखिए स्टारलाइट फाइकस की कटिंग और ये सेंचेजिया की कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती हैं ये। और फ्रेंड, ये है मनी प्लांट, ये भी बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाला प्लांट है, आप कहीं भी लगाइए बहुत आसानी से चल जाता है। इसमें भी कई वेराइटियाँ आती हैं, नियॉन पोथोस और ये मार्बल पोथोस। देखिए ये कितना खूबसूरत लगता है, इसको भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं सेमी सेड एरिया में, बहुत आसानी से चलता है। अगर आप चाहें तो इंडोर भी रख सकते हैं, और आप 6-7 दिन में 1-2 दिन धूप दिखा दी इसको, हल्की ब्राइट लाइट भी मिल जाएगी, बहुत आसानी से चलते हैं ये। और फ्रेंड, ये पर्पल हार्ट, ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको आप सेमी सेड एरिया में रखिए, बहुत ही अच्छे से चलेगा, और चाहे धूप में रखिए तब भी चलता है। तो ये भी बहुत अच्छा खूबसूरत लुक देने वाला प्लांट है। और फ्रेंड, ये है स्पाइडर प्लांट, तो ये बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट भी है और आउटडोर भी आप रख सकते हैं फ्रेंड। इसमें पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी जड़ें गल जाती हैं।
रनर्स भी बहुत सारे निकलते रहते हैं, आप कई प्लांट इसके बना सकते हैं। इसको भी आप अपने गार्डन में खूबसूरत लुक देने के लिए लगा सकते हैं। और फ्रेंड ये है फॉक्स टेल फर, तो इसको भी आप लगा सकते हैं, इसकी भी पत्तियां बहुत खूबसूरत होती हैं। और फ्रेंड ये है कोलियस, तो कोलियस की कई वेराइटियाँ आती हैं, इस कटिंग से बहुत आसानी से एक दो दिन में ही लग जाती हैं, तो इनके भी पत्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, इनको भी अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अलग अलग कलर की बहुत ही खूबसूरत पत्तियाँ होती हैं इसकी। और फ्रेंड ये देखिए, ये भी कोलियस की एक वेराइटी है, बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। और देखिए फ्रेंड ये वंडरिंग ज्यू, तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये धूप में भी चल जाता है और छाए में भी चल जाता है बहुत आसानी से। और फ्रेंड ये देखिए कैलेडियम की एक वेराइटी है, बहुत सारी वेराइटियाँ आती हैं, बहुत सारे कलर आते हैं, कोई भी कलर कोई भी वेराइटी आप लगाइए अपने गार्डन में इस पत्तों से, ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है, बल्ब वाला प्लांट है। और फ्रेंड ये है एग्लोनिमा, एग्लोनिमा में भी कई वेराइटियाँ आती हैं, तो इसको भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और फ्रेंड ये स्नैक प्लांट, ये बहुत ही हार्डी और हवा को शुद्ध करने वाला प्लांट है, इसको भी आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं और गार्डन में भी लगा सकते हैं। फ्रेंड छोटी वेराइटियाँ भी आती हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको ज़रूर आप लगाइएगा। और फ्रेंड ये है वोट लिली, ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत सारे बन जाते हैं, एक बार आपके गार्डन में आ जाएं तो बहुत सारे हो जाते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड ये है ट्रेंगल हार्ट, और ये है वेरीकेटेड केना का प्लांट, इसमें फूल भी आते हैं और पत्तियां भी बहुत ही कलरफुल होती हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड, बल्ब से आसानी से कई प्लांट बन जाएंगे आपके गार्डन में। और फ्रेंड ये है सिगोनियम, तो मेरे पास तीन वेराइटियाँ हैं, एक पिंक है, एक ये हरी वाली वेराइटी है, और फ्रेंड एक है वाइट कलर की, तो फ्रेंड ये भी बहुत आसानी से आपके गार्डन में चलेंगी, इनको भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड बहुत ही खूबसूरत लगती हैं ये। और फ्रेंड ये है डेविल बैकबोन, इसको भी आप आसानी से लगा सकते हैं अपने गार्डन में, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और फ्रेंड देखिए मैं नीचे आ गई हूँ, ये रबर प्लांट, इसको भी आप लगा करके अपने किसी भी कॉर्नर में रख के खूबसूरत बना सकते हैं कॉर्नर। ये देखिए डेफिन विकिया डम्पकिन, इसको भी आप लगा सकते हैं, एक भी प्लांट आप लाएंगे तो छोटा छोटा कट करके आप कई प्लांट बना सकते हैं, इसको भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बहुत ही कलरफुल इसकी पत्तियां होती हैं, तो इसको भी आप, ये देखिए ये है ड्रेसीना की एक वैरायटी बेबी डॉल, बहुत ही खूबसूरत लगती है। और फ्रेंड ये है डेफिनबेकिया, और ये है बेबी डॉल, ऐसे ही सब मैंने लाइन से लगा रखे हैं। और फ्रेंड फिर से डेफिनबेकिया, और ये है मनी प्लांट इकट्ठा, एक किनारे मैंने चढ़ा रखा है, देखिए कितना खूबसूरत लुक दे रहा है, तो मनी प्लांट बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, चाहे आउटडोर रखिए इंडोर रखिए, बहुत पानी में रखिए मिट्टी में, बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।